देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। साकोली तहसील के बांपेवाड़ा समीपस्थ न्यू नागझीरा वन जीव वन परिक्षेत्र में गांव के बेरोजगार युवाओं को दैनिक आधार पर काम देने की मांग बांपेवाड़ा के सरपंच नैना चांदेवार ने की। बांपेवाड़ा गांव को प्राकृतिक रूप से वन धरोहर प्राप्त हुआ है। इस वन धरोहर पर वन विकास महामंडल द्वारा गांव के कई बेरोजगार युवक मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। हालांकि ये क्षेत्र वन जीव के लिए आरक्षित होने से गांव के लोगों का रोजगार चला गया है, जिसके चलते इन लोगों पर अब भूखमरी की नौबत आई है। वन जीव वन प्रशासन द्वारा गांव के बेरोजगार युवकों को 3-3 महीने के लिए रोजगार दिया गया। हालांकि वर्ष 2018 में बांपेवाड़ा के मजदूरों को काम से निकाल दिया गया एवं उनके स्थानों पर परिसर के ही लोगों को काम करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए YouTube, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और Google Play स्टोर से BS क्राइम इंडिया न्यूज.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।